एवरीवन, वेलकम टू माधवीज फूड गली। आज हम बनाने वाले हैं आलू टमाटर की सब्जी उपवास वाली। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज की रेसिपी। हमें चाहिए सेंधा नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, सिंघाड़े का आटा एक बड़ा चम्मच, और हमें चाहिए बॉइल्ड आलू जिसको मैंने छिलका निकाल लिया है। ये तकरीबन हमें 5 लगेंगे, और हरा धनिया और एक लाल मिर्च और 2 हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे काट ली हैं। एक मीडियम साइज टमाटर मैंने यहाँ पे काट के रख लिया है, और हमें चाहिए एक बड़ा चम्मच घी। अगर आप चाहें तो आप ऑयल भी ले सकते हो। और एक पैन या कढ़ाई, जो आप चाहें। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने पैन गरम करने के लिए रख दिया है। गरम हो गया है पैन। अब मैं इसमें एक बड़ा चम्मच घी डालूंगी। अगर आप घी नहीं चाहते हैं तो आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, बट घी अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि उपवास का खाना है तो ये बहुत ही सिंपल होता है। तो जितना अच्छा टेस्ट आप इसमें ऐड कर सकें, ऐड ज़रूर कीजिए। तो यहाँ मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने गाय का घी, शुद्ध घी लिया है, एक बड़ा चम्मच। इसे हम पिघलने देंगे, गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद मैं इसमें सबसे पहले लाल मिर्च डालूंगी। लाल मिर्च और हरी मिर्च को सबसे पहले हम इसे 1 सेकेंड के लिए पकाएंगे। पकने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर। टमाटर आप जितना टमाटर 1 या 2 ले सकते हैं। यहाँ मैंने मीडियम साइज का टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से काट लिया है, चॉप कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा पकने देंगे। अब मैं इसको पकाने के लिए इसमें मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ, ताकि जितना जल्दी ये टमाटर गलेगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। धीमी आंच हमेशा रखिए, फ्लेम हमेशा मीडियम टू स्लो रखिए। अगर आप स्लो ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। स्लो कुकिंग में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, यहाँ टमाटर हमारा गल चुका है। यहाँ मैंने मीडियम फ्लेम कर दी है। सो फ्रेंड्स, हमारा टमाटर जो है बिल्कुल पक के तैयार है, और घी इसने छोड़ दिया है साइड से। तो अब मैं इसमें एक बड़ा चम्मच सिंघाड़े का आटा ऐड करूँगी। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है सिंघाड़े का आटा इस सब्जी में, और सब्जी को गाढ़ी करने में भी ये ज़्यादा यूज़ होता है इसका। तो अगर ये पैन में चिपक रहा है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम पानी जब ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई लम्स नहीं रहेंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स कीजिए, स्टर वेल। देखिए इस तरीके से उसको अच्छे से मिक्स करना है हमें। सिंघाड़े के आटे को थोड़ा सा आप भून लीजिए, जिससे एक सौंधापन आता है सब्जी में। ये मेरी मम्मा बहुत ही अच्छी सब्जी बनाती हैं, तो उन्हीं से मैंने सीखी है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी हमारे 5 बॉइल्ड आलू। आप अपने हिसाब से इसको क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ एक बंदे के लिए बनाना है, तो यहाँ मैंने सिर्फ 5 आलू लिए हैं। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में बॉईल होने दूंगी। देखिए इस तरीके से ये बहुत झटपट बन जाती है। आप किसी भी चीज़ के साथ इसमें खा सकते हैं। उपवास वाली सब्जी है ये, बहुत ही टेस्टी होती है। देखिए अब ये बॉईल हो चुकी है, थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है। तो अब मैं इसमें लास्ट में हरा धनिया ऐड करूंगी, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा इस सब्जी में। एंड फ्लेम बंद कर देंगे, और हमारी सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइए उपवास में, और मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी। और मुझे आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और याद, डोंट फॉरगेट टू बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। बाय।